16 के चांद शहीन ने ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन हो गया ऐसा। शहीन ने अभी विकेट लिया है, ये जब भी मैच होया है। बाबर आजम की बेसिकली लुक वगैरह नहीं है, बस पैसा है जो वो शो ऑफ थोड़ा सा कराता है। इतने कोई लुक नहीं है, बाबर आजम से अच्छा विराट कोहली है। नहीं जी, शबनम बहुत अच्छी है, जब उसको देखते हैं दिल खुश होता है। शबनम हमें बहुत प्यारी लगती है, तो उसको नंबर वन पे आना चाहिए। बाबर आजम तो है वही है, बेशक जो मर्जी आ जाए, लेकिन हमारे लिए तो बाबर आजम ही सब कुछ है। बाबर आजम कुछ हाँ। कहना चाहती है बाबर आजम को? हाँ, बाबर आजम के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। शुभमन गिल भी अच्छा खेलते हैं, मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि कभी एक बंदा अच्छा खेले दूसरा ना अच्छा खेले तो सब ऐसे कंपैरिजन करने लगते, तो अच्छी बात नहीं है। बेसिकली शहीन अफरीदी एक बड़ा अच्छा बॉलर है, ठीक है, और हम उसको मानते हैं वो बॉलर। लास्ट टाइम भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शहीन अफरीदी का मैच हो इंशाल्लाह पाकिस्तान का, ये दिखाएंगे अपनी बॉलिंग। छक्के उसने ऐसे मारे जिस तरह मोहम्मद शाह पर जा रहा था। माय नेम इज विरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि शुभम गिल ने बाबर आजम को मात दे दी है। आईसीसी में रैंक नंबर वन पे वो आ चुके हैं, फर्स्ट उनका रैंक हो गया है। और अगर हम बात करें बॉलिंग में तो मोहम्मद सिराज ने शाहीन की जगह ले ली है और वो फर्स्ट रैंकिंग में आ गए। तो चलते हमारी आवाम से जानते हैं कि ये दोनों जो इंडियन प्लेयर्स हैं शुभम गिल और मोहम्मद सिराज, इन्होंने हमारे बॉयज की जगह ले ली है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन है हमारी आवाम का। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जिशान है। क्या करते हैं जिशान? मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो? पढ़ता हूँ। नहीं, खेलते हो या पढ़ते हो डिसाइड कर लो। पहले पढ़ता हूँ फिर खेलता हूँ। क्या खेलते हो? लूडो खेलता हूँ। लूडो खेलते हो किसके साथ? ऑनलाइन बच्चियों के साथ। लूडो स्टार खेलते हो? हाँ। और पढ़ते क्या हो? पढ़ता हूँ मैं आशिकी टू। आशिकी टू पढ़ते हो? जी। कहाँ पे पढ़ाते हैं ये? ये LL यूनिवर्सिटी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये अपनी यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। मैच देखते हो? मैच कभी कभार। अब्बू ने बनाई थी और अम्मी वहीं पे मिली थी? बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ था। हाँ, जैसे अभी आप मुझे यहाँ पे मिली। ये तो यूनिवर्सिटी नहीं है ना? लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है ना, काइंड ऑफ है। okay. अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ। और बाबर आजम की आईसीसी में रैंक वन था उनका, लेकिन अब चेंज हो गया। अब शुभम गिल, शुभम कह रही हूँ, शुभम गिल आ चुके हैं। शबनम आ गई है, अब शबनम आ गई है। शुभम गिल ने उनकी जगह ले ली है, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, शबनम बहुत अच्छी है, जब उसको देखते हैं दिल खुश होता है। शबनम हमें बहुत प्यारी लगती है, तो उसको नंबर वन पे आना चाहिए। बाबर आजम तो है वही। अच्छा। बेस्ट प्लेयर मैक्सवेल है। अच्छा, कल की उसने एक दफा उसने खेल लिया मैक्सवेल ने, तुम लोग पागल हो गए सारे। नहीं 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 नहीं, नेदरलैंड को उसने इस तरह धोया जिस तरह हम सरफ के साथ कपड़े धोते हैं, पाकिस्तान का धोता है। हाँ जी, छक्के उसने ऐसे मारे जिस तरह मोहम्मद शाह पर जा रहा था। अच्छा, बाबर आजम क्यों नहीं पसंद तुम्हें? बाबर आजम की बेसिकली लुक वगैरह नहीं है, बस पैसा है जो वो शो ऑफ थोड़ा सा कराता है। नहीं, कहां? इतने कोई लुक नहीं है, बाबर आजम से अच्छा विराट कोहली है। वो तो बात सही है, लेकिन अभी आईसीसी रैंक में शुभम गिल ने उनकी जगह ले ली है, तो कैसी लगती है शुभम की आपको बैटिंग? मुझे इतनी कोई खास, क्योंकि मैक्सवेल 360 का प्लेयर है। अच्छा, जो मैक्सवेल खेल सकता है वो मेरे हिसाब से कोई नहीं। मैक्सवेल 360 का प्लेयर है, जहाँ बॉल आती है। कल उसने ओवर में 22 स्कोर मारा और एक ही जगह खड़े होके मारा है। क्या बात है। पहला छक्का, दूसरा छक्का, फिर उसने चौका मारा और उसने फिर छक्का मारा। अच्छा, मोहम्मद सिराज ने जैसे कि बैटिंग में शुभम ने जगह ले ली है बाबर की, इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने शाहीन अफरीदी की जगह ले ली है, ठीक है, रैंकिंग वन में। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो गया ऐसा? शाहीन ने ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन हो गया ऐसा। शाहीन ने अभी विकेट लिया है, ये जब भी मैच होया है न्यूजीलैंड के साथ। मोहम्मद सिराज ने यानी कि जगह ले ली शाहीन अफरीदी की, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली शहीन अफरीदी एक बड़ा अच्छा बॉलर है, ठीक है, और हम उसको मानते हैं वो बॉलर। लास्ट टाइम भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शहीन अफरीदी का मैच हो इंशाल्लाह पाकिस्तान का, ये दिखाएंगे अपनी बॉलिंग। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ जो हुआ था मैच, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी थी। अच्छा, फिर भी हार गए। शुदा एम्पायर ने गलत आउट, जो आउट बनता था एम्पायर ने नहीं दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमा। उमा क्या करती हो? मैं डॉक्टर बन रही हूँ। डॉक्टर बन रही हूँ, थर्ड ईयर में। तो कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगता, अगर इंसान करना चाहे तो सब इजी लगता है। हो रही है, सही चल रही है डिग्री? बहुत अच्छी। पेशेंट्स जब आएंगे तो कैसा फील होगा? मतलब पेशेंट्स आएंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बस ये फील होता है कि इसको पूरा। अभी कुछ कर रही हो हाउस जॉब वगैरह? कुछ हाउस जॉब नहीं कर रही, बस इंटर्नशिप कर रही। इंटर्नशिप कर रही? कौन से हॉस्पिटल में? सर्विसेज में। सर्विसेज में मुश्किल लगता है? हेक्टिक हो जाता है दिन? मुश्किल ही होता है, इंटरेस्टिंग होता है, अगर इंटरेस्ट लो तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, मैच में अगर हम मैच की बात करें तो शुभम गिल ने हमारे बॉय बाबर आजम की जगह ले ली है, आईसीसी में रैंक वन पे आ चुके हैं वो, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
बेशक जो मर्जी आ जाए लेकिन हमारे लिए तो बाबर आजम ही सब कुछ है। बाबर आजम कुछ कहना चाहती हो बाबर आजम को? हाँ, बाबर आजम के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। कहाँ अच्छा खेलते हैं? नहीं अच्छा खेला इस दफा उन्होंने, इस दफा नहीं खेला, लेकिन जरूरत तो नहीं है कि आप एक दफा उन्होंने अच्छा नहीं खेला तो इस बात से आप उनको जज कर लो, बाकी तो उन्होंने मैचेस अच्छे खेले हैं ना, उनको देखना चाहिए इसलिए। अच्छा, अगर हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने शाहीन की जगह ले ली है, तो शाहीन मेरा क्रश है। क्रश है, शादी हो गई अब तो कोई बात नहीं, फिर भी क्रश है। क्रश है, कुछ कहना चाहती हूँ शाहीन को? शाहीन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मोहम्मद सिराज जो कि फास्ट बॉलर अच्छा खेलते हैं, देखा है आपने उनको? देखा है। और शुभम गिल को क्या सीखना चाहिए? ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको लग रहा है सही है शुभम गिल? कंपैरिजन करना वैसे बनता नहीं है, क्योंकि मतलब हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट नहीं होता। शुभम गिल नहीं पसंद आपको? शुभम गिल भी अच्छा खेलते हैं, मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि कभी एक बंदा अच्छा खेले दूसरा ना अच्छा खेले तो सब ऐसे कंपैरिजन करने लगते, तो अच्छी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई और बाबर ऐसा अच्छा खेलते हैं वो नहीं खेलते, तो ये बात नहीं है कि एक दफा वो बुरा खेल रहे हैं तो आप उनकी मतलब। शुभम गिल की बैटिंग कैसी लगती है? उनकी बैटिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी लगती है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है कि लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को और हमारे जो शाहीन अफरीदी हैं, लड़कियां तो फैन हुई नहीं है शाहीन की, उनको नहीं फर्क पड़ता रैंक वन हो रैंक टू हो। आप मुझे बताएं कि आपको बाबर आजम या शुभम गिल में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है, और आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है? मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।